ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स. आज हम स्टोक्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे. इससे पहले मैंने आपको डाइवर्जेंस थ्योरम के बारे में वीडियो अपलोड किया था ग्रुप में. लाइक डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम भी आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन ये मैक्सवेल इक्वेशन को सॉल्व करने के यूज़ में आएगा. इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं. तो इसके लिए हमें इसका कंसेप्ट समझना ज़रूरी है. तो क्या कहती है स्टोक्स थ्योरम? स्टोक्स थ्योरम कहती है कि द सर्कुलेशन ऑफ वेक्टर फील्ड ई अराउंड क्लोज्ड पाथ सी is equal to the integral of curl E over the surface bounded by this path. मतलब यहाँ पर इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक पोर्ट बना रही हूँ, ठीक है. इस पोर्ट को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है. अब ये कह रहा है कि कोई भी वेक्टर फील्ड हो गया, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर किया एज ए वेक्टर फील्ड, ठीक है. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका जो लाइन इंटीग्रल है ओवरऑल, ठीक है, दैट विल इक्विवेलेंट टू द कर्ल ऑफ दैट, ठीक है. तो कर्ल का मतलब आपको क्लियर है कि रोटेट होना, किसी पॉइंट से रोटेशनल वेक्टर जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, उसके बराबर है. पहले डाइवर्जेंस थ्योरम में क्या हो रहा था, वो डाइवर्ज हो रहा था एक पॉइंट से, लेकिन यहाँ पर ये एक पॉइंट से क्या हो रहा है, आपका रोटेट हो रहा है. तो सबसे पहले हम समझते हैं इस लाइन इंटीग्रल को, ठीक है. तो इसके अंदर क्या किया मैंने, इसको छोटे छोटे डीएस एरियाज में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया लाइक दिस, ठीक है. अब मान लीजिए ये कोई छोटा सा एक एरिया लिया है मैंने डीएस, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रहा है, ठीक है. अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होगा, ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कैसे जाएगा. सबसे पहले इस पोर्ट के अंदर, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो ये ओपन सरफेस है और इसके अंदर मैंने ये छोटे छोटे लाइंस ड्रॉ कर दी हैं, ठीक है. तो मान लीजिए ये छोटा सा एक डीएस सरफेस मैंने ले लिया. अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलेट होगा, जो इसके अंदर फ्लो होगा, वो कैसे होगा, लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस, ठीक है. अब आप देख सकते हो कि जो करंट का फ्लो है वो लेफ्ट हैंड रूल से इस तरफ हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है. अब ये जो इसके पास वाला जो ये छोटा डीएस सरफेस एरिया है, इसके और इसके बीच में ये कॉमन वॉल है, ठीक है. अब क्या होगा, इसके अंदर जो करंट सर्कुलेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है. तो क्या हो जाएगा, ये ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर टोटल करंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो. नेट फ्लो क्या हो जाएगा, ज़ीरो. वैसे ही अगर हम सब इन छोटे छोटे सारे डीएस सरफेस को अगर कंसीडर करें तो हर किसी के बीच में एक लाइन क्या रहेगा, आपका कॉमन रहेगा. जैसे इन दोनों के बीच में ये है, इन दोनों के बीच में ये है, इन दोनों के बीच में ये, इन दोनों के बीच में ये, ठीक है. तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ तक आते आते आपका जो कह सकते हैं टोटल सर्कुलेशन जो है करंट का, वो क्या हो जाएगा, आपका ज़ीरो हो जाएगा. अब अगर हम बात करें इस तरफ की, तो जो सर्कुलेशन इस तरफ हो रहा है, देखिए इसके नीचे कोई डीएस सरफेस नहीं बना हुआ है, इसके नीचे टोटल क्या है, आपका ओपन एरिया है, ठीक है. ये एक 3D डायग्राम है और मैं इसको एक 2D पेज पर बता रही हूँ, तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस एज 3D, ठीक है. तो इसके पीछे आप इमेजिन कर सकते हो ऐसे, ये इसके चारों ओर ऐसे बने होंगे छोटे छोटे डीएस सरफेस, ठीक है. तो क्या होगा, अब इधर में जो फ्लो होगा करंट का, वो क्या होगा, नेट फ्लो बोल सकते हो, जो है इधर इसके, क्योंकि इसके नीचे कोई डीएस एरिया नहीं, ओपन सरफेस है, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये डीएस, ये है ओपन सरफेस, ठीक है. अब इसके नीचे कोई करंट फ्लो नहीं, मतलब करंट फ्लो होगा, सॉरी, ठीक है. अब क्योंकि यहाँ पर ये ज़ीरो नहीं होगा टोटल फ्लो, वाई, क्योंकि यहाँ पर इसके नीचे कोई भी ऐसे छोटे डीएस सरफेस नहीं बने हुए हैं, ठीक है. तो आपका ये स्टेटमेंट यही, सर स्टोक्स यही कहना चाह रहे हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा कि इस लाइन के अराउंड जितना टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, वो इस ओपन सरफेस, यानी कि ये जो आपका ओपन सरफेस है, ठीक है, इसके अराउंड कर्ल क्यों लिया हमने, क्योंकि वो यहाँ से क्या हो रहा है, आपका रोटेट हो रहा है, ठीक है. तो क्या हो जाएगा, ये जो लाइन बन रही है इस सर्कुलर सरफेस के इधर, ठीक है, इस पर प्रेजेंट इस पार्ट की वजह से, इस पार्ट की वजह से, ठीक है, इस छोटे से पार्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा ए डॉट डी एल, ठीक है. तो ओवरऑल इस पूरे चारों ओर इस लाइन इंटीग्रल के चारों ओर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा आपका क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी एल. अब यहाँ पर मैंने सी लिखा है, पर ये एक्चुअल में लाइन इंटीग्रल है, सी इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ये कर्व बन रहा है, ठीक है. इक्वल्स टू द ओपन सरफेस ऑफ, ये सरफेस आपका ओपन है, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपने दिया तो वो इधर से ही दिया होगा, ठीक है. तो जितना आपने दिया, जब पूरा ही अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट होकर के आया, तो वो किसके इक्वल हुआ,
यहाँ पर तो जीरो हो गया अंदर, लेकिन इस ओपन सरफेस पे आपने जितना दिया था वो सारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लाइन पर आ जाएगा, इस सर्कुलर पर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इस ओपन सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आपने दिया था वो कहीं ना कहीं किसके इक्वल है, इस क्लोज्ड लाइन के, लाइन इंटीग्रल के बराबर। ठीक है, सो गो थ्रू द मैक्सवेल इक्वेशंस टॉपिक एंड इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम देन आई विल एक्सप्लेन। ओके, थैंक यू।